हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो कोई भी डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई भी डेसिमल नंबर है, सपोज कोई डेसिमल नंबर है, उसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग किसी भी बेस के नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल बात करने हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो कोई भी नंबर अगर डेसिमल में है, उसको हम लोग बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर जिस तरह से होगा, उस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। सपोज सिंपल कोई नंबर लेते हैं 15, डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको हम लोग बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम लोग यहाँ कौन सा अप्रोच लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग अप्रोच लगाएंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड। हम लोग यहाँ पे कौन सा क्या यूज करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड में क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें क्या करना है, दो से भाग देना है। किस तरह से भाग देना है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, ये 15 है, इसमें हम लोग का क्या करना है, दो से भाग देना है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझते हैं, तो 2 से बन जा 14, तो बच गया मेरा शेषफल, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं, यहाँ 1। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वहाँ पर हम लोग इसको लिखते जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 2 3 6, फिर क्या बच गया, 1, फिर इसमें 2 से भाग देंगे, तो क्या बच जाएगा, 2 बच गया 1। अब हम लोग को क्या करना है, नीचे से ऊपर ले जाना है, ऊपर से नीचे नहीं लाना है, यहाँ पे तो सारा डिजिट सेम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग को नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम ले जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1111 इन बाइनरी। तो 15 जो डेसिमल है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मेरा क्या हो गया, 1 बाइनरी इक्विवेलेंट। तो हम लोग इसको किससे किए हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड से। ये बड़ा नंबर हो, हम लोग सिंपल इसी तरह से करते हैं, ये मेरा बेसिक मेथड है। और बहुत सारा मेथड है जिससे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये बेसिक मेथड है। जब तक आप इस मेथड को नहीं सीखोगे, तो उस मेथड से मतलब आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप मतलब हाई लेवल कैसे सोच सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फंडा का हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, 25, ये 25 कोई 25 डेसिमल नंबर है, उसका हम लोग को बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, कितना होगा। तो सिंपल हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 में हम लोग भाग दे देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 12 2 24, दैट मीन्स 12, अगर सिंपल भाषा में बोले तो 12 दूनी 24, तो बच गया रिमाइंडर, यहाँ शेषफल 1, फिर 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 6 12, यहाँ बच गया क्या, 0, फिर 2 से भाग देंगे इसमें, तो क्या बच जाएगा, 2 3 6, यहाँ बच गया 0, फिर 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 2 1 2, फिर यहाँ बच जाएगा 1। तो कितना आ गया। अब लेना कैसे है, हम लोग को लेना है टॉप टू बॉटम, ना कि बॉटम टू टॉप, इस तरह से लेना है, साइन देखिएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप का जब इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों ऑप्शन दे देता है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो हमको हमेशा बॉटम टू टॉप लेना है, नीचे से ऊपर लेना है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कैसे बनेगा, 1 1 0 0 1, इस तरह से। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 1, ये हो गया बाइनरी। न कि इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 1 0 0 1 1, ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग इस पे ध्यान देना है, कि हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग को क्या लेना है, बॉटम टू टॉप लेना है, जब हम लोग डेसिमल को, सिंपल डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन इसमें, फ्रैक्शन पार्ट इसमें नहीं है, मतलब दशमलव वाला जो डेसिमल नंबर रहता है वो नहीं है।
तो वो उसका अलग मेथड होता है, उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल अगर कोई डेसिमल नंबर है उसको हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसको दो से भाग देते जाएंगे, तब तक भाग देंगे तब तक यहाँ पे मतलब वन या जीरो नहीं आ जाता है। और इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे टॉप बॉटम टू टॉप। तो ये हो गया मेरा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिंपल 25 का। तो इस तरह से हम लोग कितना भी बड़ा नंबर लेकर हम लोग कर सकते हैं। सिंपल हम लोग और ले लेते हैं कुछ नंबर, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, ये नंबर क्या है 0.75 है, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब सक्सेसिव डिवीजन मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे ही पॉइंट आ जाएगा हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो कैसे अप्लाई करेंगे, 0.75 को क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मतलब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 50। तो यहाँ पे कितने अंक के बाद पॉइंट है, दो डिजिट के बाद है, एक दो, तो यहाँ पे दो अंक पॉइंट दे दिए इस तरह से। इधर कितना बच गया मेरा 1, तो ये 1 को हम लोग क्या करेंगे रख लेंगे। अब बच गया इधर पॉइंट के, इधर वाला कितना बच गया मेरा 0.50। तो अब क्या करेंगे 0.50 इधर लिखेंगे, 50 इंटू 2, फिर दो से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना बच जाएगा 100। कितने डिजिट के बाद है, कितने अंक के बाद दशमलव है, दो अंक के, तो यहाँ पे दो लिख लेंगे। तो यहाँ अब कितना बच गया 00, इधर कितना बच गया 1, इधर बच गया 00। तो हम लोग इसको जब तक मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि मेरा 00 नहीं आता। तो अब क्या हो गया मेरा, अब 00 आ गया, तो जो लेफ्ट, जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा 11, वो मेरा क्या हो जाएगा उसका डेसिमल मतलब बाइनरी कन्वर्जन। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, जब ये पॉइंट में रहेगा तो हम लोग ऊपर से नीचे लेंगे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, दैट इन्स 11 विथ पॉइंट, दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.75। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0.11 इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.75। तो हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे। कुछ और प्रॉब्लम ले लेते हैं, 0.25 ये डेसिमल में है, इसका हम लोग को निकालना है बाइनरी इक्विवेलेंट। तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। जहाँ भी पॉइंट वाला आएगा तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे 0.25 × 2, तो कितना हो जाएगा 50 लिखे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दो अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है, पॉइंट है, तो यहाँ पे भी दो अंक के बाद हम लोग दशमलव देंगे, पॉइंट देंगे, तो पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया 0, ये बच गया मेरा 0, ये हो गया 0। अब यहाँ पे जो 0.50 बचा उसको फिर इधर लिखेंगे 0.50, फिर इसमें दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब कितना बचेगा 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 0, 1। कितने अंक के बाद दशमलव है 2, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। अब यहाँ पे कितना आ गया 1 और इधर कितना आ गया 0, 0, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इतना कितना आ गया, हम लोग ऊपर से यहाँ पे क्या लेंगे नीचे लेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर नहीं लेना है हम लोग को, यहाँ पे ऊपर से नीचे लेना है। तो कितना हो गया 0, 1, कितना हो गया 0, 1 विथ पॉइंट, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.25। तो यहाँ पे 0.01, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.25। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5 कोई नंबर है 0.875, तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो इसका जो ये डेसिमल इक्विवेलेंट है इसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसमें जैसे ही पॉइंट आएगा तो हम लोग याद करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो
तो यहाँ पे करेंगे 0.875 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1750। यहाँ पे कितने अंक के बाद, 1, 2, 3, तो 3 अंक के बाद हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो अब इधर कितना बच गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा कितना हो गया, 1। तो जो दशमलव के बाद वाला है फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, तो कितना हो गया, 0, 0, इस तरह से हो गया। अब 3 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 1, और राइट हैंड साइड में हो गया 0.50। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 0.50 यहाँ लिखेंगे, 0, 0 है तो 0, 0 भी लिख सकते हैं, 0 का मतलब तो 0 ही आएगा। 0.50 इंटू हम लोग 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 0, 1। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो 0, 0। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा 1 आ गया, राइट हैंड में क्या हो गया, 0, 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब 0, 0 आ गया तो मेरा अब ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग फर्दर इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, आगे हम लोग अब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 0 में कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे हो गया 1, 1, 1, 1, 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे टॉप टू बॉटम लेंगे, न कि बॉटम टू टॉप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 1, 1 विथ पॉइंट, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.8751, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.875। तो ये तो हो गया एक पॉइंट वाला, एक विदाउट पॉइंट वाला। अब जब दोनों मिक्स नंबर आता है, जब दोनों मिक्स आएगा विथ पॉइंट, तो उसको किस तरह से करेंगे, इसको हम लोग ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको बाइनरी में, बाइनरी इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, तो हम लोग इसको अब किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इसका देख रहे हैं पॉइंट है, तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉइंट के राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले को करेंगे, क्योंकि वो 163 हो गया, इसको दो पार्ट में करेंगे, 163 प्लस 0.875 हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो इसको जब हम लोग अप्रोच करते थे, दोनों को अलग अलग करेंगे, तो इसको किस तरह करते, इसको लेफ्ट हैंड साइड वालों को किस तरह से करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड से, जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। और ये जो पॉइंट के, जो पॉइंट के जो राइट हैंड साइड है, जो पॉइंट वाला है, उसको हम लोग करेंगे सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो दोनों को अलग अलग करके फिर क्या करेंगे, वापस दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले 163 का देख लेते हैं, तो इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले 163 को करेंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड से, तो क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पे करेंगे तो 2, 8 जा 16, 2, 1 जा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 इंटू 2, तो यहाँ पे बच जाएगा शेषफल 1, शेषफल 1 बचेगा। फिर हम लोग इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 से कटेगा, यहाँ बच जाएगा 1, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 20, यहाँ हो जाएगा 0, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 10 जा 20, यहाँ हो जाएगा 0, फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो 2, 5 जा 10, यहाँ हो जाएगा 0, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 2, 2 जा 4, यहाँ बच जाएगा 1, फिर से इसमें 2 से भाग देंगे तो 2, 1 जा 2, बच जाएगा यहाँ पे 1, सॉरी 0, 2, 1 जा 2, तो यहाँ बच जाएगा 0। तो ये हो गया दशमलव के पहले वाला पार्ट। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, इसमें क्या लेते हैं, सक्सेसिव डिवीजन मेथड, और इसमें टॉप टू बॉटम लेते हैं, इस तरह से यहाँ आ गया। तो कितना आ गया इसका बाइनरी कन्वर्जन, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, ये हो गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 163 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया, इतना हो गया। तो सबसे पहले इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं,
163 जो डेसिमल में था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया 1010011। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ये राइट हैंड वाला पार्ट मतलब पॉइंट के जो राइट हैंड में जो है उसको करेंगे। तो किस यूज करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पे करेंगे 0.875 आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन वाला अप्रोच लगाएंगे जो हम लोग सिंपल प्रॉब्लम में पहले कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, 0.875 × 2 तो कितना हो जाएगा, इतना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो कितने डिजिट के बाद क्या है, अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड वालों को फिर से लिखेंगे 0.750 × 2, फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद हम लोग सिंपल दशमलव दे देंगे, तो ये क्या बच गया, इधर 1 हो गया, इधर हो गया 5.500, तो 0.50 यहाँ पे लिखेंगे, 0 भी दे सकते हैं, इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव देंगे तो इतना आ गया, इधर आ गया। अब 0 0, तो 0 0 आ गया, तो हम लोग इसको आके प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि 0 0 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब कितना आ गया मेरा, 1 1 1, तो इसमें हम लोग कैसे लेंगे, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम। जैसे ही हम लोग फ्रैक्शन पार्ट करते हैं तो हम लोग ऊपर से नीचे लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 1 विथ पॉइंट, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 0.875। तो बाइनरी इक्विवेलेंट 0.875 जो डेसिमल था उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मेरा इतना आ गया। अब जो नंबर मेरा है, जो नंबर है 163.875, तो अब क्या करेंगे, जो ये बाइनरी 163 का अलग से निकाले, 0.875 का अलग से निकाले, अब दोनों को क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 1, यहाँ पे पहले जो है 163 का यहाँ पे लिखेंगे, 163 का कितना आया, 1010011 प्लस करेंगे या फिर 0.875 का, 0.875 का कितना आया, 111, तो ये क्या हो गया, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1010011.111, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस। सपोज कोई है नंबर 52.75 है, इसका हम लोग का डेसिमल हमें है दिया हुआ, तो हम लोग का इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, तो वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले इधर क्या करेंगे, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, 52 प्लस 0.75 इसको लिख सकते हैं, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 52 का निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 52 में सक्सेसिव डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया इस तरह से करेंगे, यहाँ बच गया शेषफल, ये हो गया शेषफल, 2 6 12 यहाँ 1 बच गया, यहाँ हो गया 2 3 6, यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 2 2 1 2 यहाँ बच गया 1, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे किस तरह से लेते थे, टॉप टू बॉटम, इस तरह से नीचे से ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0, ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 52, तो ये 52 का आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 0.75 का, सॉरी सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड, यहाँ पे हो गया 1 1 0 1 0 0, ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 52। अब इधर हम लोग निकाल लेते हैं 0.75 का, तो इसको हम लोग सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते थे इसमें,
तो वही यूज करेंगे यहाँ पे, इंटू टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 150, कितने अंक के बाद पॉइंट है दो, तो यहाँ पे दो लिखेंगे, बच गया वन, इधर बच गया 0.50, तो 0.50 को फिर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बच जाएगा 1.00। तो अब जीरो आ गया यहाँ पे, इधर वन आ गया, तो अब जीरो आ गया तो हम लोग इसको प्रोसीड नहीं करेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1.1 विथ पॉइंट, इतना ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 0.75 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0.11 हो गया और 52 का इक्विवेलेंट हो गया 1.1 इतना। तो अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, 52 का आ गया था 1.10100.11, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.10100.11, दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। इस तरह का प्रॉब्लम आप घर पे भी लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम मतलब ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको, साथ में घंटी का भी बटन दबा ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम